कृषि मंत्री एवं छिंदवाड़ा के प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने कांग्रेस और कमलनाथ पर तीखा प्रहार किया है और कहा कि भाजपा अब छिंदवाड़ा भी जीतेगी, कांग्रेस एमपी में जीरो होगी। उन्होंने कहा कमलनाथ सत्ता की तड़प में मानसिक संतुलन खोकर सठिया गए हैं। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि संगठनात्मक रूप से पार्टी ने छिंदवाड़ा लोकसभा को जीतने की रणनीति बनाई है। 2023 के विधानसभा चुनावों में भाजपा फिर सरकार बनाएगी और 2024 में मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर पार्टी जीतेगी, जिसमें छिंदवाड़ा भी शामिल है। छिंदवाड़ा लोकसभा जीतने के साथ ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीरो हो जाएगी। उसमें आगामी संगठनात्मक मजबूती और भारतीय जनता पार्टी 2023 का चुनाव बिल्कुल बजी चुका है, एक साल बचा, उसकी पूरी तैयारी कर रही है। 2023 और 24 में भारतीय जनता पार्टी पुनः प्रचंड बहुमत से जीत के आएगी। और मैं कह रहा हूँ कि हमारे 29 में से 28 लोकसभा सदस्य सिर्फ छिंदवाड़ा नहीं था, इस बार हम छिंदवाड़ा भी जीतेंगे, कांग्रेस जीरो। मंत्री पटेल ने कमलनाथ पर प्रहार करते हुए कहा कि कमलनाथ सत्ता की तड़प में अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और वे अब सठिया गए हैं। मैं तो कमलनाथ से पूछता हूं कि वही बताएं कि उनका कारवा डूबा क्यों, सत्ता में आते ही कर्म खराब हो गए और हर वर्ग जिसमें युवा किसानों को वचनों के नाम पर छला गया। ये कमलनाथ जी तो सटिया गए, सत्ता से जाने के बाद में उनके मानसिक संतुलन खो दिया कमलनाथ जी ने। जैसे तड़पते ना मछली पानी से निकाल दो, ऐसे हाय सत्ता तड़प दो। 15 महीने कमलनाथ जी ने सिवा मध्य प्रदेश को लूटने के, भ्रष्टाचार करने के कुछ किया नहीं, और इसलिए कमलनाथ जी की बात का कोई गंभीरता से सटिया गए। लेकिन हर सरकार का शासक दायित्व है जो अच्छा काम करे उसकी। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।